कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर बैतूल की संतुलन संस्था ने काबिले तारीफ प्रयास किया है, जिसकी सराहना मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बैतूल पहुंचकर की। बता दें, बैतूल जिले में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने संतुलन संस्था द्वारा आयोजित कैंसर शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और शनिवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर स्वर्गीय मधुलिका अग्रवाल की स्मृति में शामिल होकर कैंसर के प्रति जांच और इलाज के लिए जागरूकता शिविर में आमजन को जागरूक किया। देखिए, संतुलन संस्था बैतूल और गर्ग परिवार ने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है और सरकार और समाज दोनों मिलकर ही अगर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। और जितने भी, चूँकि बैतूल जिला और आसपास के ज़िले से भी जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहर के भी कैंसर से पीड़ित हैं या जिनको कैंसर के लक्षण कैंसर हो सकता है, वो सब जांच परीक्षण कराने भी आए, उनका उपचार भी होगा। और सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज एक परिवार का होता है, यानी पति पत्नी नाबालिग बच्चे, हर साल 5 लाख का। उसके कारण गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी हो सकता है, जिससे गरीब आदमी कर्ज ना ले या तड़प तड़प के जान ना दे। इसके पहले तो होता था कि अगर गरीब को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसको मरना ही है, या फिर कर्ज लेकर पूरा मकान जाओ और खुद भी कर्ज में डूब जाता था, 5-5 रुपये 10-10 रुपये सैकड़े में ब्याज से लेना पड़ता था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही पुण्य का कार्य किया, बड़े पैमाने पर करोड़ों उसके कार्ड बने और उससे उपचार हो रहा है, उससे लोगों को राहत मिल रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से, दीनदयाल उपचार योजना से, और सरकार भी अब कर रही है। हम जिला अस्पतालों को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, अभी कल होशंगाबाद में की घोषणा उन्होंने, हम बैतूल को भी, ताकि रिफर सेंटर ना रहे। कैंसर शिविर की शुरुआत की थी और ये हमारा लगातार 5वां वर्ष है और इस बार इंदौर कैंसर CHL हॉस्पिटल इंदौर, नेल्सन हॉस्पिटल नागपुर, पाडर चिकित्सालय बैतूल का जो हॉस्पिटल है वो, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अमरावती और केशव रिसर्च हॉस्पिटल होशंगाबाद, ऐसे 5 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से कैंसर विशेषज्ञ आए हैं। लगभग 16 कैंसर विशेषज्ञ इस समय इस स्थल पर विराजमान हैं और एक हमने मेमोग्राफी मशीन लगी हुई बस मंगवाई है, मुंबई से आती है, वो पिछले वर्ष भी आई थी, इस वर्ष भी आई है, जिसमें माताओं बहनों का स्तन कैंसर की जांच होती है और सामान्य तौर पे ये जांच लगभग 5000 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति होती है। और चूंकि बैतूल में इसकी व्यवस्था नहीं है तो अगर इसकी जांच करानी है तो आपको भोपाल, नागपुर, इस तरह के बड़े शहरों में जाना पड़ता है, वो जाने आने का खर्चा भी होता है, परेशानी भी होती है। और इस आज के कैंप की विशेषता और हमारी सफलता ये रही कि हमने मुख्य अतिथि महोदय श्री कमल पटेल जी से आग्रह किया था, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि बहुत शीघ्र बैतूल जिला अस्पताल, जो कि शासकीय अस्पताल है, उसमें मेमोग्राफी मशीन लग जाएगी। तो ये जो महिलाओं को जांच कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।